घड़ी और कैलेंडर को भूल से भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ परिस्थिति निर्माण करते हैं। घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। अगर उन्हें सही स्थान अथवा सही डायरेक्शन में न रखा जाए तो ये चीजें नेगेटिव एनर्जी फैलाती है। वही अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो ये पॉजिटिविटी से घर को भर देती है, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का साइंस भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह वस्तुएं हमें समय का बोध कराती है। इन वस्तुओं की सहायता से हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती है। वह वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। घड़ी बीतते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है, यह समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचरण करके हमारे समय को बलवान बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि उस घड़ी को सही दिशा और सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा और सही स्थान के बारे में। अगर वास्तु के नियमों का पालन करके आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं तो आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहला नियम है घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो सबसे उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार कोने वाली चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए घड़ी कभी भी चौकोर अथवा आयताकार की नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही सर्वोत्तम होती है। अथवा आप अन्य आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले कोण ना हो। दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीरें ना हो। आजकल देखा जा सकता है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है जिनके अंदर भगवान की तस्वीरें लगी हुई होती है। ध्यान रहे, ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदे जिसमें भगवान की तस्वीरें लगी हुई हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। तस्वीरों पर माला अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है। किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। कई दिनों तक घड़ी पर धूल लगी रहती है, इससे भगवान का अपमान होता है। तीसरा नियम है बंद घड़ी घर में ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं पड़नी चाहिए। बंद घड़ी को कभी दीवार पर नहीं रखना चाहिए, इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए। आप चाहे तो समय को थोड़ा आगे रख सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। जो घड़ी समय से पीछे चलती है उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा ही पीछे ही रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा नियम है घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से अपयश मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण तरफ रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहां समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता। इससे घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रुकते हैं और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। घड़ी को हमेशा ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए।
यह बात भी ध्यान में रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे न लगाएं। इससे समय का अशुभ प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। चौथी बात है कैलेंडर की दिशा। दोस्तों, घड़ी समय को दर्शाती है, वही कैलेंडर हमें शुभ अशुभ तिथियों से अवगत कराता है। इसीलिए कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का ही चयन करना चाहिए। कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व अथवा उत्तर दिशा ही उत्तम मानी गई है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की प्रगति होती है। इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाएं, जो लाल या गुलाबी रंग का हो। इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाना चाहिए, जिसमें हरे और सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया हो। पर इस बात का ध्यान रखें कि कैलेंडर हिंसक जानवरों और दुखी चेहरों की तस्वीरों वाला ना हो, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाएं, ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का संचार होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।